वोट भी नोट भी अपने भाई से देवांगे भाई, इसने हमारे बीच में रहे सारी आने। अगर भूपेंद्र भाई पार्लियामेंट में जाते हैं तो सारे दुश्मन है कि मरोड़ निकल जाएगी। वोट भी नोट भी सपोर्ट भी तीनों चीज ज्यादा बरकर दिल्ली एमपी में पहुंचाऊंगे भाई ने। उनका देखो मोदी का हो रहा को उसका राहुल का हो रहा है, अकेला मैं जैसा हूँ अपने भाइयों की सुन के करूंगा फैसला। पूरी लोकसभा और पार्लियामेंट में बरोधा की आवाज ले जानी है, बरोधा की आवाज गूंजेगी। आपका बहुत बड़ा काम है बड़ी काम, और आड़ तो तन मन धन तीनों चीज है, तीनों मिल गया आड़ तो भाई। ये हमारे गठवाड़ा खाप का ब्राह्मण देवताओं का काम है, इन्होंने आज आशीर्वाद दिया हमारे को, और देखो धन भी दिया, गाड़ी भी दी, और वोट टाइप देखो ये सारे देंगे सारे। या मोनू भाई और ये जो युवा साथी है कितना माने, दो तीन गाड़ी भर कर रोज गए रहेंगे। वोट भी नोट भी अपने भाई से देवांगे भाई, इसने हमारे बीच में रहे सारी आने। मारा भाई है भाई गुआंडी है, उन्होंने हम जानते भी कौन है, इसने सारी आने बैठे है। ये देखो जी गांव में जोश हो रहा पूरा, ये देखो इस तरह की जो शख्सियत है जो मतलब आज चल के आई है, चाहे बेशक दिव्यांग है लेकिन कितना जोश है। किसे मलिक साहब लगा भाई साहब, मैं अपने नौजवान साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ, अगर भूपेंद्र भाई पार्लियामेंट में जाते हैं तो सारे दुश्मन है कि मरोड़ निकल जाएगी, और मारा भाई ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर जाने के बाद मारा भाई वो एक काम करेगा जो हम चाहेंगे। कौन सी पार्टी को समर्थन देना है, कौन पीएम बनाना है, हम और भाई बदला के फैसला करेंगे। हमारी वोट से जो है ना सारे दुश्मनों को सबक मिल जाएगा और हमारा भाई वहां पहुंच जाएगा। इससे बड़ी और क्या हो सकता है भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बड़ी गांव की एक एक वोट का हकदार यो भाई है, और जो भाई गलती से करेगा ना भाई वो अच्छी बात नहीं है, हम समझा देंगे उसने। एक आधे ने एक आधा जो थोड़ा सा दूसरे के उसमें ना उन्हें समझा देंगे भाई। भाई साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मारा गुआंडी भाई है, घर का भाई है, हम जात पात ने नहीं मान दे, हम तो अपने गुआंडी भाई ने वोट देंगे, ऋण जिताओगे। बिल्कुल हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, बड़ी गार महसवाल का पंडित राम दारी गोटा से दो ब्राह्मण तार रखे थे इस काम में, हमारा ईजा स्वागत नहीं मानते इन बात जात पर, हम तो भाईचारा उनका है जो आड़ रहे हैं द्वार में को रहे हैं उनका क्या भाईचारा। भाई साहब ये तो दो दिन हुए ही पे मलिक साहब के चुनाव ने, दो दिन हुए हैं नामांकन चार ने कराया था उसके बाद हमने चलाया है, इब तो 18-20 दिन पड़े हैं, इस को बिल्कुल पलट देंगे हम। ये ना भाई साहब जब यो बड़ी गांव में आड़े तो भाई भूपेंद्र की वोट मांगने लेकड़ेगा, वोट भी नोट भी सपोर्ट भी तीनों चीज ज्यादा भरकर दिल्ली एमपी में पहुंचाऊंगे भाई ने। संसद में जब बोल रहेगा भाई ये बड़ी की आवाज सबसे पहले बोल रहा है, हमारी गारंटी है। और भाई कल हल्का खरो गोदा में 15 गांव में पर इतना जोश है लोगों के अंदर, भाई भूपेंद्र मलिक के प्रति बहुत ज्यादा दोष है ऐसे ही जुलाना में विश्वास हो रही है लोगों ने। बिल्कुल इतनी ताकत दे दी, सवाल मिल गया वोट गिरने ठिकाना भी ना मिल जाता, ठिकाना मिल गया हमने। बिल्कुल ये सही बात है, एक बार आदमी आ गया, एक जो पहले देख लिए बीजेपी वाले, और हम इनके खुद इनके भाई बताओ ये इसे क्यों देंगे, किसे कह दे, ये तो अपने देंगे जो इनके सारी 400 पार का नारा हवा में है, उनका तो दोषे पार भी कोना भी कटन लाग रही है, हवा में की थो हवा तो कटन लाग रही है भाई। अभी सुरेश भाई ने बताया उनका देखो मोदी का हो रहा को उसका राहुल का हो रहा है, अकेला मैं जैसा हूँ जो अपने भाइयों की सुन के करूंगा फैसला, ये जो भाई कहेंगे वह करूंगा। हाँ अपील ये है भाईचारे का इलेक्शन है, ये कांग्रेस और बीजेपी वालों का नहीं, ये बरोधे हल्के के भाईचारे का चुनाव है, बरोधा हल्का लड़ रहा है, इसको 36 जात बरोधे हल्के की लड़ रही है, बरोधा हल्का का अकेला बेटा खड़ा है, तो आज बरोधा हल्का उठ खड़ा हुआ है क्योंकि साथ के जुलाना और खरखोदा हल्का में दो दिन गए, उनमें इतना भारी जोश देख कर बरोधा हल्का ने भी ये ठान लिया है कि बरोधा हल्का की लड़ाई अब मेरे भाईचारा 36 जात का भाई बिल्कुल गूंजेगी, पूरी लोकसभा और पार्लियामेंट में बरोधा की आवाज ले जानी है, बरोधा की आवाज गूंजेगी। वरुण भाई बीजेपी तो पहले भी कभी 70 पार क्या हाल हुआ था,
400 पार नहीं, 200 भी नहीं पहुंच दिए इनकी, बीजेपी का ये हाल है। भाई साहब हम अपने भाई साहब का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर हम कल ना मान ले हमारे भाई साहब एमपी बनाए तो हम आधी रात ना करा जाकर ठासके हैं, अगर कोई काम कराना हो ना हम अंगे तो करा सके हैं, और दूसरे दौर जान दी तो किसी दौर हरिद्वार जाना पड़ेगा और को जमना के तलेगा है उनका, अगर काबेरा ना घाट काबेरा किसके बारे में आगे कुआड़ खड़काऊंगे, आना तो हम जबरदस्ती भी कह देंगे, हम तो 24 घंटे इनके दौर रहनी है मानस है, बिल्कुल बड़ी एक तरफा करेंगे, एक तरफी इलेक्शन है भाई, बड़ी मग है भाई ने जता के भेजेंगे, दंगला देख कर दे भाई साहब कांग्रेस वाले सभी तो वह है, वाह वाह भाई
फिर उसने परसों फार्म भरा अपने हाथों से ये देख रहा क्या थाना राम आश्रम हरिद्वार हरिद्वार मगा इतनी सी पुट्टी झूठ बोली जो आदमी हटेगा जी हटे पता है जिसकी हटे वोट नहीं सोनीपत के लोकसभा 18 लाख वोट है वो 18 लाख वोट था उसको पाया ही उसने हड़े इतने बड़े बड़े ब्राह्मण नेता रहे एक थे पंडित चिरंजीव लाल जी के लड़के दो चार बार सांसद रहे स्पीकर रहे उसको देखे और बोली गांव के रहे अपने चौधरी जी जिन्होंने 77 में इंदिरा गांधी को कर दिया था उनको देखते हैं सही बात है रात को देखते जिधर मारे हरिद्वार में आश्रम में ये हवा रात है उनको दे देते आज भी मारा है पंडित जी भी है 36 रात में किसे देते पर आगे का पंडित देते उन्होंने जमाया अपमान किया है पूरे इलाके का किया 36 बिरादरी का किया 18 लाख मतदाताओं का अपमान किया है और अपने कार्यकर्ताओं का गला काटने का काम किया है ये जो बीजेपी से आज दुखी है बीजेपी से प्रत्येक औरत दुखी है उनसे भी छुटकारा चाहते हैं बेशक भाइयों को हरे सौर छुटका हो लेकिन बीजेपी से पीछा छोड़ा सकते हैं कांग्रेस वाले नहीं छुटाना चाहते ये तो सिर्फ जननायक जनता पार्टी ही छुटा सकती है रही बात बड़ौदा का जे अकेला आपका बेटा भाई आपके वो अंगा हो अपने यहाँ कोई जाति पाति कोई ऐसी बात सबका 36 जात का बढ़िया भाईचारा रहा है मेरे दादा चौधरी ऋषभ सिंह मलिक ने महेश्वर कला गाँव में सिर्फ मुक्ति से पंडित सुबह सिंह जी को सरबत पढ़ा था कोई ऐसी वोट दिया बंदे से कंधा मिला कर साथ देते थे और मेरे दादा जब चेयरमैन बने उनके भाई मोड़ा राम की वोट थी उनसे वो चेयरमैन बने थे बड़ी गाँव से बड़ी गाँव के सुना दे भाई साहब बड़ी गाँव का बड़ा होगा तो भाई हम तो अपने भगवान जी भाई के लिए तो कोई किसी ये तो दो दिन का है भाई मां रिश्तेदार लौटना दुख सुख में के आते जो दुख सुख हुआ वो अपना भाई वोट का तो रिश्तेदारी भी काट लाओगे जात पात का भी उतर लाओगे उनकी बात सब बन जाना मैं तो देख रहा भाई जिसका घर बात डालते हो घाट डालते हो गंगा जी और जमुना जी कौन का जीत तो था वो तो पानी नहीं हम जीत तो था अरे एक बताओ रे वो तो भरा प्रेम हो गया लेकिन देखो कर दिया था मैं सवाल